कुछ रीत जगत की ऐसी है। आप दोनों साथ में? लंबी कहानी है, फिर कभी। और वैसे भी विशाखा विनीत भागने ही थोड़ी ना कोई उपाय है। तुम लोग प्लीज आपस में बात करके मना लो ना अपने माता पिता को। हमने उनसे बात की है, वो तुमसे मिलने को तैयार हैं और वो तुम दोनों से बात भी करना चाहते हैं। नहीं, ये उनका कोई प्लान है मुझे घर वापस लेकर आने का। मैं जानती हूँ उन्हें, वो हमारे रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। विशाखा, मेरी बात समझ। विनीत जी तेरी जिंदगी में अभी अभी आए, मैं मानती हूँ कि तू उन पर भरोसा करती है, लेकिन तेरे माता पिता, उन पर थोड़ा तो भरोसा दिखा। उन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है विशाखा, वो तेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। विशाखा, एक मौका तो दो। और वैसे भी ये तुम दोनों के भागने के चक्कर में ना उन लोगों को काफी डर है, काफी डरा दिया है तुम्हारी इस बात ने उन लोगों को। क्या पता वो अपना फैसला बदल ले, और अगर उसके बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर तुम दोनों का जो मन करे तुम लोग वो करना। मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। विशाखा, विनीत, प्लीज प्लीज एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो चल के, प्लीज प्लीज। विशाखा, मुझे लगता है नरेंद्र जी सही कह रहे हैं, हमें एक बार उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। चले विनीत, आ जाओ। माफ कर दीजिए, हम बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। भागने के अलावा कोई और विकल्प दिखाई नहीं हमें। नरेंद्र जी ने एक विकल्प सुझाया तो सोचा आपसे अपनी बात करें। माना कि अलग समाज से हूं मैं, पर बुरा नहीं हूं मैं। भावनाएं अलग नहीं है मेरी आपसे। हाँ, मैं मानता हूं कि ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, पर जितना भी है ना, मैं खुश हूं उतना। किसी के सामने दहेज की भीख मांगकर अपनी तिजोरियां नहीं भरनी मुझे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इतना कमा लेता हूं कि आपकी बेटी का ख्याल रख सकता हूं मैं। और मेरे मम्मी पापा, उन दोनों को पता है हमारे रिश्ते के बारे में, और उन्हें यह रिश्ता मंजूर है बाबूजी, बिना किसी लेन देन के, बिना दहेज के। बस आप हाँ कर दीजिए भाऊजी, प्लीज भाऊजी हाँ कर दीजिए ना। रिश्ते की बात माँ बाप से करूंगा, तुमसे नहीं। वही व्यवहार है। पापा।
करने के बाद भी अगर ऑटोमेटिक कार और 100 तोला सोना मांगा ना तो कैंसिल कर दूंगा, पहले से बोल देता हूँ। पापा वो तो नरेन जी ने झूठ बोला था ताकि अब हम दोनों के रिश्ते के लिए ना कह दे। नरेन भाई, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन जिस तरह आपने पूरा मामला सुलझाया उसकी वजह है हेमराज भाई रतन सिंह और चंचल बहन रतन सिंह के दिए गए संस्कार, उनकी परवरिश। हितेश भाई, इसमें नंदिनी का भी उतना ही बड़ा हाथ है। ना नरेन भाई, हमें भी थोड़ा सा गलतफहमी हो गई थी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। अरे मामा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बड़ों के हाथ छोटों को सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, ऐसे हाथ जोड़ने के लिए नहीं। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, और आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती? मैं बताता हूं। इस कहानी से बेटा हमें शिक्षा मिलती है कि जो सुखी है जरूरी नहीं है कि वो खुश हो, लेकिन जो इंसान हमेशा खुश रहता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए हमें हर समस्या का सामना मुस्कुराते हुए खुश रहकर करना चाहिए। कैसे? समूह विवाह का शुभ आरंभ किया जाए। ओम अग्नेय अग्निमंत्र देवाय ने स्वाहा, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ओम गजानन गणाधिपति सेवित कपीति शंभु फलचर। नमस्ते हेमराज भाई, मैं सुजान धर्म सिंह। नाम सुना है आपका सुजान भाई, कोई इतने कम समय में इतनी तरक्की करता है तो उसकी सफलता के नगाड़े अपने आप बजने लगते हैं। ये तो बस लोगों ने ऐसे ही फैला रखा है, मैं तो बस 50 करोड़ के टर्नओवर वाली छोटी सी कंपनी का मालिक हूँ। ये बोलना आपका बड़प्पन है। एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ आपके सामने। हमारी इकलौती बेटी है हेमराज भाई, और आपका इकलौता बेटा। अगर हमारी बेटी को आपके घर में रहने का आश्रय मिल जाए तो उसके साथ हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। कल्याण मस्तु भावाय। सोच लीजिए, विधाता का दिया हुआ इतना सब कुछ है हमारे पास, हमारे बाद सारा हमारी बेटी का ही तो है। मेरा मतलब उसका और हमारे होने वाले दामाद के कुटुंब का। अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना, यही एक सपना है मेरा। पूरे शहर को न्योते जाएंगे, 56 भोग परोसे जाएंगे, सजावट और आतिशबाजी तो ऐसी होगी कि जैसे राजकोट में आज तक किसी ने देखी तक नहीं होगी। सोने हीरे जवाहरातों से लाद कर 125 करोड़ की गाड़ी में अपनी बेटी को विदा करूंगा। ऊंचा सुनते हो क्या? अभी अभी सभा में मैंने कहा, सुना, ये दहेज की लालच नहीं है तो और क्या है? हिम्मत कैसे हुई आपकी? मुझ पर, मेरे परिवार पर भरोसा कीजिए
और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अरे नहीं नहीं हेमराज भाई, देखिए आप तो बुरा मान गए। अभी अभी तो आपके कहने पे मैंने भी दहेज के खिलाफ शपथ ले ली है। मैं तो बस रिवाज निभाने की बात कर रहा था। और आपसी रीति के लिए कौन सा कानून डरता है? और आपने तो फिर कुछ मांगा ही नहीं। देखिए मांगने से जो मिले वो होता है दहेज, और जो बिना मांगे मिले वो होती है भेंट। और सज्जन भेंट का निरादर नहीं करते। और फिर मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी मर्जी से अपनी बेटी के खुशी के लिए कर रहा हूं। बात अगर खुशी की है, रिवाज की है, भेंट और परंपरा की है तो ठीक है, बाकी दहेज और लेन देन के मैं सख्त विरुद्ध हूं। सोने से लदी 125 करोड़ की गाड़ी में बैठकर आने वाली आपकी लक्ष्मी का हमारे घर में स्वागत है। बस अब सिर्फ हस्त मिलाप हो जाए, हृदय मिलाप तो अपने आप ही हो जाएगा। नंदिनी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी आपको दुखी नहीं होने दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.